कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल कृषि विधेयक को लेकर किसानों का समर्थन जुटाने के अभियान में जुट गए हैं। हरदा जिले के ग्राम भौसादेह में किसानों की चौपाल को संबोधित करते हुए कमल पटेल ने कहा कि किसान जागरूक हों, किसानों को बिचौलियों के खिलाफ खुद खड़ा होना पड़ेगा और दूसरे किसानों को भी कृषि कानून के लाभ को बताना होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधेयकों से किसानों को होने वाले लाभ के बारे में बताया। इस दौरान कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं, जिससे बिचौलियों में हड़कंप मच गया है। बिचौलियों किसानों को भ्रमित कर उन्हें आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं। कमल पटेल ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि किसान स्वयं चौपाल लगाकर विधेयकों पर चर्चा करें और दूसरे किसानों को भी समर्थन के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा, यदि अभी बिल वापस लेना पड़ा तो इसका नुकसान किसानों की भावी पीढ़ियों को भी उठाना पड़ेगा। कमल पटेल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब किसान आत्मनिर्भर होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। उन्होंने राजीव गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि खुद राजीव गांधी को पता था कि एक रुपए में से 85 पैसे बिचौली हजम कर जाते हैं, लेकिन फिर भी वह सुधार नहीं कर सके क्योंकि शुरुआत उन्हें घर से ही करना पड़ती। चौपाल में मौजूद किसानों ने कृषि विधेयकों को किसानों के हितकारी बताते हुए कहा कि वह पूरी तरह बिलों का समर्थन करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली और वैभवशाली बनाने का संकल्प लिया है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया और भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का संकल्प लिया है और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का जिन्होंने काम किया है और जिसके कारण 6 साल के अंदर गांव, गरीब और किसान और इस देश की दशा और दिशा बदली है। बिचौलिया जो पंजाब में पैसे कमाते थे हजारों करोड़, उनकी बिचौलियों की दुकानदारी कम हो रही तो वो उनको भड़काते हैं और कांग्रेस और विपक्षी दल नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत बने, देश में राज करे ताकि देश आगे बढ़े, नहीं जाते वो लोग किसानों को गुमराह करके भड़का रहे। तो ऐसे थोड़े जितने विरोधी हैं, 20 दल और दुनिया भर के तथाकथित किसानों के नाम पे नेतागिरी करने वाले नेता, वो सब किसानों को भड़का कर आंदोलन कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं, इनको या तो जानबूझ के कर रहे हैं कुछ, तो सोए हुए को तो हम जगा सकते हैं लेकिन जो सोने का नाटक, जगने का सोने का नाटक करे उसको कैसे जगाएंगे। और इसलिए किसान भाइयों, जागो, अपने हक में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो इनके कहने में। अब जाकर गांव का विकास के द्वार खोले हैं मोदी जी ने, गांव को आर्थिक रूप से आजादी दिलाई है, अब गांव के तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी और हमारे ये जो बच्चे हैं, जो हमारे बुजुर्ग जिंदगी भर लुटते पिटते आए, कीचड़ में खपते आए और हमेशा इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करता किसान और माल कमाता बिचौलिया, ये बिचौलियों को हटाने का कानून है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।